Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about International Court of Justice on case of genocide against Myanmar. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international conventions and institutions point of view. सबसे पहले briefly समझ लेते हैं ICJ के बारे में, International Court of Justice. It is one of the principal organ of United Nations. आपको पता है United Nations के 6 principal organ हैं. Functional तो अभी बस 5 ही हैं. Trusteeship Council is no longer functional. Total 6 principal organ है, उसमें से एक principal organ है ICJ. Just like UNSC, United Nations General Assembly, it is also one of the principal organ of United Nations. इट इज़ इनफैक्ट जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मतलब कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एडजुडिकेट करता है, एक जुडिशियरी की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशन का. और इसका ऑफिस या सीट है इन द हेग, नेदरलैंड्स. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी मेन जिम्मेदारी है किसी एक कंट्री के खिलाफ केस को रजिस्टर करना. कंट्री के खिलाफ केस कैसे रजिस्टर होता है समझिए, किसी एक कंट्री ने मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, तो फिर दूसरा देश उस कंट्री के खिलाफ ICJ में केस कर सकता है. फॉर एग्जांपल कुलभूषण यादव केस आपको याद होगा, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा कराया है. कुलभूषण यादव इन इंडिया नेशनल हु हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान एंड इज़ इन पाकिस्तान जेल फॉर मेनी ईयर्स बाय नाउ. तो कुलभूषण यादव को, चूंकि वो इंडियन नेशनल है, तो इंडियन कौंसुल ऑफिसर शुड बी अलाउड टू मीट कुलभूषण यादव, बट इंडियन ऑफिसर्स वर नॉट अलाउड टू मीट हिम बाय पाकिस्तान अथॉरिटीज़. तो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ केस किया ICJ में कि पाकिस्तान इज़ वायलेटिंग वन ऑफ द वियना कन्वेंशंस या वियना प्रिंसिपल ऑफ कौंसुलर एक्सेस. तो मुद्दा यह है, आई होप अब आपको बात समझ आ रही होगी, कि ICJ में किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ केस नहीं होता है, एक कंट्री के खिलाफ केस होता है. और वो कंट्री के खिलाफ कौन से ग्राउंड्स पे केस होता है, कि ये कंट्री इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रहा है. ICJ में टोटल 15 जजेज होते हैं, और ICJ के जो जजेज होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. दोनों ही बॉडीज अलग अलग तरीके से वोट करती हैं अल्टीमेटली टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ICJ. ये जो 15 जजेज होते हैं ICJ के, वो अलग अलग रीजन से सेलेक्ट होते हैं, मतलब द सीट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप. अब एक बात होगी, हमने ICJ के बारे में समझ लिया, अब जरा ब्रीफली समझ लेंगे रोहिंग्यास के बारे में. हु आर दीज रोहिंग्यास एंड देन वील सी द करेंट इशू. रोहिंग्यास के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दे आर माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ म्यांमार. ये म्यांमार का, ये आप देखिए, कोस्टल रीजन है रखाइन स्टेट. रखाइन स्टेट में एक पर्टिकुलर तरह के लोग रहते हैं जिनको हम लोग रोहिंग्यास कहते हैं. दीज रोहिंग्यास दे आर डिफरेंट, कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार. म्यांमार की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है, बर्मीज लैंग्वेज को फॉलो करती है, जबकि ये रोहिंग्यास इस कोस्टल रीजन में रहते हैं. और बुद्धिस्ट जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ इनकी रिलीजन इस्लाम है, या दे आर इन माइनॉरिटी. और जहाँ पे मेजॉरिटी लैंग्वेज है बर्मीज, इनकी लैंग्वेज है बंगाली. सो नेचुरली ये माइनॉरिटी में है, तो कई सारे इनके कल्चरल बेसिक राइट्स ये मेजॉरिटी डिनाई करता है. मेजॉरिटी हैज़ बीन मेनी टाइम्स अक्यूज्ड बाय वर्ल्ड कंट्रीज फॉर सप्रेसिंग द राइट्स ऑफ रोहिंग्यास. तो एक तो बात होगी कि रोहिंग्यास हैं कौन, यहाँ पे रहने वाले म्यांमार में रहने वाले कोस्टल रीजन के रखाइन प्रोविंस में रहने वाले लोग हैं, और उनका इस रिलीजन है इस्लाम और बंगाली लैंग्वेज बोलते. ये रोहिंग्यास के खिलाफ ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन एक्सट्रीमिज्म प्रैक्टिस करता रहा है. इनफैक्ट ये यहाँ पे इस रखाइन स्टेट में रहते हैं रोहिंग्यास, और मेजॉरिटी जो म्यांमार की या बर्मीज सिटीजन है उनका मानना है कि ये रोहिंग्यास इलीगल तरीके से म्यांमार के अंदर इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, और इस कारण से दे शुड नॉट बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ म्यांमार. ठीक जैसे जैसे हमारे स्टेट आसाम में एक तरह का मूवमेंट चल रहा है ना, आसाम मूवमेंट चला 1979 to 1985 तक अगेंस्ट द इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, सिमिलरली द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ म्यांमार बिलीव्स की दीज रोहिंग्यास हैव इलीगली इमिग्रेटेड और इन्फिल्ट्रेटेड इन टू म्यांमार, एंड दैट इज़ वाई दे शुड नॉट बी गिवन सिटीजनशिप. तो 1982 में म्यांमार ने एक लॉ लाया, बर्मीज सिटीजनशिप लॉ. इस बर्मीज सिटीजनशिप लॉ के हिसाब से रोहिंग्यास विल हैव टू प्रूव कि दे आर लिविंग इन म्यांमार प्रायर टू 1823.
तो जो भी यहाँ के रखाइन स्टेट में रहने वाले रोहिंग्याज हैं उनको साबित करना होगा कि वो उनके एंसेस्टर्स 1823 से पहले से रह रहे हैं इस रखाइन स्टेट में या म्यांमार में, तभी जाकर के उनको सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे कट ऑफ डेट है 1971 का, उन्होंने 1823 का कट ऑफ डेट दे दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आपके और आपके एंसेस्टर 1823 से यानी कि 200 साल पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉ इटसेल्फ 1982 बर्मी सिटीजनशिप लॉ विच ब्रॉट 1823 एज अ कट ऑफ डेट, मोस्ट ऑफ द रोहिंग्यास वे आर प्रूव टू बी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स एंड दैट इज़ हाउ दे बिकेम स्टेटलेस पीपल। उनसे म्यांमार की भी सिटीजनशिप छीन ली गई और उनका अपना कोई देश बचा नहीं, दे बिकेम स्टेटलेस पीपल। और उसके खिलाफ फिर जब ये स्टेटलेस हो गए तो फिर म्यांमार की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनको फिर कहना शुरू कर दिया कि तुम तो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर हो, यू शुड बी टॉर्चर्ड हरास्ड, एंड दिस इज हाउ दीज रोहिंग्याज हैव बीन सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड ऑफ एट्रोसिटीज, किल्ड, रेप्ड, मेम्ड, हरास्ट। एंड दिस इज वाई यूनाइटेड नेशन वन सेड कि रोहिंग्याज आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। रोहिंग्याज पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज करते हैं यहाँ के म्यांमार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार। 2017 में एक मेजर इवेंट हुआ रोहिंग्याज के खिलाफ। हुआ क्या कि अब रोहिंग्याज के खिलाफ इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज प्रैक्टिस कर रहे थे म्यांमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, तो रोहिंग्याज ने एक रेडिकल इंसर्जेंट ग्रुप बना दिया। इंसर्जेंसी तो आप समझते हैं, हु क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन अ पर्टिकुलर रीजन इन ऑर्डर टू गेट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट फुलफिल्ड या इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल्ड। तो रोहिंग्याज में से ही कुछ लोगों ने मिलकर के इंसर्जेंट ग्रुप बना दिया जो थोड़े बहुत इधर उधर वायलेंस करने लगे। तो उस इंसर्जेंट ग्रुप्स ने 2017 में थोड़े बहुत वायलेंस किए। उस वायलेंस के जवाब में म्यांमार की आर्मी ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था क्लियरेंस कैंपेन, और इस क्लियरेंस कैंपेन के अंतर्गत कई सारे रोहिंग्यास को टॉर्चर किया गया, हरास किया गया, मारा गया, एंड दैट फोर्स्ड मोर देन 7 लाख रोहिंग्यास टू मूव आउट ऑफ दिस रखाइन स्टेट। मतलब इनको बहाना मिल गया, आप समझ लो, यहाँ की जो आर्मी है, म्यांमार की आर्मी है, वो वैसे भी मेजॉरिटी इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहती है, उनको ये बहाना मिल गया बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंट एक्टिविटी बाय सम ऑफ द रोहिंग्या आउटफिट्स। तो दो चार लोगों ने इस तरह की इंसर्जेंसी की, वायलेंट एक्टिविटीज़ की, और उन पूरे रोहिंग्यास के खिलाफ एक मेजर कैंपेन चलाया गया बाय म्यांमार आर्मी जिसको कहा गया क्लियरेंस कैंपेन, एंड दैट लेड टू मास रेप्स, किलिंग, टॉर्चिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द रोहिंग्यास, और इस कारण से 7 से 8 लाख रोहिंग्यास मजबूरी में अपना घर, अपना स्टेट रखाइन स्टेट को छोड़ करके बांग्लादेश में इलीगल तरीके से इंटर हो गए एज ए रिफ्यूजी। इलीगल तरीके से कहिए, रिफ्यूजीज की तरह इंटर हो गए। बांग्लादेश ने उनको शरण दी अपने यहाँ पे कॉक्स बाजार रीजन में, कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप बनाया बांग्लादेश ने और उनको वहाँ पे उन्होंने शरण दी। तो फॉर लास्ट 5 ईयर्स मोर देन 7 to 8 लाख रोहिंग्याज आर लिविंग इन अ वेरी प्लाइटफुल कंडीशन इन कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप ऑफ बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी आखिर इनको कब तक सस्टेन करेगा? सो देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश टू रिपैट्रिएट दीज रोहिंग्याज बैक टू रखाइन स्टेट, बट दीज रोहिंग्याज डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू द रखाइन स्टेट बिकॉज दे फियर फर्दर रेट्रीब्यूशन बाई द मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ म्यांमार। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। रोहिंग्यास मैंने बताया, एक बार यूनाइटेड नेशन ने खुद भी माना है कि रोहिंग्याज आर द मोस्ट परसिक्यूटेड, मेजॉरिटी जो है उनको हरास, टॉर्चर, मेम, किलिंग, रेप करता रहता है, राइट? दिस इज व्हाट द मीडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग सो फार, राइट? अब इनके खिलाफ ये जो यहाँ पे मेजॉरिटी म्यांमार पॉपुलेशन है और खासकर म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ, जिसको म्यांमार की सरकार के खिलाफ, जिसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री जनता, आई होप आप ये बात समझते होंगे कि म्यांमार के अंदर 2021 के स्टार्टिंग में, यानी कि पिछले साल की स्टार्टिंग में फरवरी में ही एक मिलिट्री कू हुआ था, और जिसके बाद उन्होंने वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके, जिसको लीड कर रही थी आन सान सू की, उसको हटा करके वहाँ की आर्मी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहाँ की आर्मी को मिलिट्री जनता कहते हैं। तो सरल भाषा में कहें तो म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता का रूल है, और मिलिट्री जनता ने ही ज़्यादातर एट्रोसिटीज़ किए हैं, यानी कि मिलिट्री आर्मी ने ही, मिलिट्री सरकार ने ही ज़्यादातर एट्रोसिटीज़ किए हैं रोहिंग्यास के खिलाफ। एंड दैट इज़ वाई गैम्बिया जो यहाँ पे एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे इस रीजन में है, गैम्बिया वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है लेकिन है इस्लामिक कंट्री, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ सिंपथी फॉर रोहिंग्यास, क्योंकि रोहिंग्यास भी मुसलमान हैं और गैम्बिया भी इस्लामिक कंट्री है। गैम्बिया ने ICJ में
एक केस किया है अगेंस्ट मिलिट्री जनता ऑफ म्यांमार, यानी कि मिलिट्री जो रूलर हैं या मिलिट्री सरकार है म्यांमार की, उसके खिलाफ आईसीजे में गैम्बिया ने केस किया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रोहिंग्यास, कि ये लोग रोहिंग्यास के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। क्या केस किया है गैम्बिया ने, मैंने आपको पहले ही बताया आईसीजे में केस होता है एक देश के खिलाफ दूसरा देश कर सकता है फॉर वायलेशन ऑफ सम इंटरनेशनल लॉ या कन्वेंशन। गैम्बिया इन दिस पर्टिकुलर केस हैज कंप्लेंट अगेंस्ट म्यांमार फॉर वायलेशन ऑफ 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन। और गैम्बिया एक इस्लामिक कंट्री है और गैम्बिया को पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, 57 मेंबर कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मुसलमान मेजोरिटी देशों से ये बना है और सब सपोर्ट कर रहे हैं गैम्बिया को। तो अब देखना होगा कि म्यांमार के खिलाफ और क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये केस थोड़े दिन पहले ही लाया गया था, अब करेंट न्यूज ये है कि इस केस को आईसीजे ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब म्यांमार की मिलिट्री जनता के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है आईसीजे के अंदर। जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 जिसके वायलेशन के लिए गैम्बिया ने केस किया है म्यांमार के अंदर, म्यांमार के खिलाफ इन आईसीजे, उसको जरा समझते हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन है क्या? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट क्रिमिनलाइजेज जीनोसाइड। आई होप आप जीनोसाइड समझते हैं, किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, यानी कि सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल, इसको हम लोग कहते हैं जीनोसाइड। साइड मतलब होता है मर्डर, जीन बेस्ड, जीन सेलेक्टेड, कम्युनिटी सेलेक्टेड किलिंग, मास किलिंग, ये जीनोसाइड। और जीनोसाइड को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डिक्लेयर किया गया है जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, एंड इट ऑब्लिगेट्स स्टेट पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन टू इन्फोर्स इट्स प्रोहिबिशन। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि जीनोसाइड को प्रोहिबिट करें, और अगर वो जीनोसाइड को प्रोहिबिट नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ आईसीजे में केस किया जा सकता है। और इसी ग्राउंड पे गैम्बिया केस कर रहा है म्यांमार के खिलाफ। ये जितने भी कंट्रीज हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर से, ऑल ऑफ देम आर सिग्नेटरी टू दिस 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है, गैम्बिया और म्यांमार भी 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, दैट इज़ वाई गैम्बिया हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग केस अगेंस्ट म्यांमार इन आईसीजे, क्योंकि दोनों ही इस कन्वेंशन को मानते हैं और फिर भी इसको साइन करने के बावजूद भी म्यांमार इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, दैट इज वाई गैम्बिया हैज़ ब्रॉट अ केस अगेंस्ट म्यांमार। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लॉ कमीशन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या। साइमल्टेनियस इलेक्शन को कई कबार वन नेशन वन इलेक्शन भी कहते हैं। इसको सरल भाषा में कहें तो आपको तो बात पता होगी कि लोकसभा का हमारे देश में इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, पिछला इलेक्शन 2019 में हुआ था, अगला 2024 में होगा। साइड बाय साइड कई सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन चलते रहते हैं, असम के अंदर 2021 में हुआ था, फिर अगला 2026 में होगा। तो हर कुछ दिनों पर कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है, कभी लोकसभा के इलेक्शन, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। तो आर कंट्री रिमेन्स इन इलेक्शन मोड ऑलवेज, दैट इज वन प्रॉब्लम। सो बिकॉज पोलिटिकल पार्टीज आर इन इलेक्शन मूड ऑलवेज, डेवलपमेंट से फोकस कहीं ना कहीं हट जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्शन आ रहा होता है हमारे जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो उन स्टेट्स के अंदर जा कर के कैंपेनिंग में लग जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन इलेक्शन हैज़ बीन सजेस्टेड, या साइमल्टेनियस इलेक्शन हैज़ बीन सजेस्टेड, जिसका सरल सा गोल ये है कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करा दिए जाए। 2019 में सारे स्टेट्स के इलेक्शन करा दिए जाए और साथ ही साथ लोकसभा के इलेक्शन, मतलब 2024 जो अगला होने वाला है उसमें सबके इलेक्शन एक साथ करा दिए जाए, और उसके बाद से हमेशा 5 साल पे ही इलेक्शंस हो, ताकि एक बार में इलेक्शन हो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और बात खत्म, फिर अगला इलेक्शन 5 साल बाद हो, एंड कंट्री शुड नॉट ऑलवेज रिमेन इन इलेक्शन मोड। ये आइडिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया था पहली बार कि वी नीड टू गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। ही सजेस्टेड दिस इन 2019 और तब से ये बातें बार बार डिस्कशन में आ रही हैं। देखिए 1967 तक तो हमारे देश में वैसे भी साइमल्टेनियस इलेक्शन चलता था, क्योंकि शुरुआती ऐसे हुई थी 1952 में स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साथ में हुए, फिर 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, लेकिन 67 के बाद से साइकिल धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। क्यों? क्योंकि 68 में सबसे पहले प्री मच्योर डिजोल्यूशन हुआ कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। आपको पता है ना कि कहीं पे भी सरकार ना बन पाए, मेजॉरिटी ना प्रूव कर पाए, तो वो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व हो जाती है। कहीं पे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, वो सरकार गिर जाती है, तो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। वैसे ही 1968 के बाद से कई जगहों पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्री मच्योर डिजॉल्व हुई, मतलब 5 साल टर्म पूरा करने से पहले डिजॉल्व हुई, और इस कारण से धीरे धीरे वो साइकिल टूटने लगा।
और लोकसभा भी प्री मच्योर डिजॉल्व हुआ बीच बीच में, एंड दिस इज हाउ द साइकिल गॉट ब्रोकन कंप्लीटली। यू सी, जनता पार्टी गवर्नमेंट अज्यूम्ड पावर इन 1977, उन्होंने क्या किया, 9 कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव लॉस्ट पीपल्स मैंडेट। बस इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि अगर हमें सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस को हटाया है लोगों ने, तो स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस की सरकारों को रूल नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी अ न्यू या फ्रेश इलेक्शन। मुद्दा ये है कि साइकिल लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का साथ में चल रहा था टिल 1967, बाद में वो साइकिल ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ प्री मच्योर डिजोल्यूशंस एंड मिड टर्म इलेक्शंस, और तब से ही बार बार चर्चा हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का सजेशन दिया था 1983 में कि वापस से साइकिल को रिटेन करने की जरूरत है। लॉ कमीशन ने 1999 में सजेस्ट किया था कि वी नीड टू रिटेन द साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन। फ़ायदा क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन से या साइमल्टेनियस इलेक्शन से, जो बहुत सारा खर्चा लगता है इलेक्शन प्रोसेस में, आपको पता है बैलेट ईवीएम लगाओ, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, इतना सारा जो खर्चा होता है वो सब अलग अलग इलेक्शन होने के कारण, आउट ऑफ साइकिल इलेक्शन में होने के कारण खर्चा बढ़ जाता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जब देश हर वक्त इलेक्शन के मूड में रहेगा तो गवर्नेंस कहीं ना कहीं सफ़र करेगा, डेवलपमेंट सफ़र करेगा। हमारे जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो इलेक्शन कैंपेन में ही रह जाते हैं ज़्यादातर टाइम। तीसरा, साइमल्टेनियस पोल विल बूस्ट वोटर टर्नआउट। एक बार इलेक्शन हो तो लोगों का मन भी करेगा, चलो 5 साल में इलेक्शन आया है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट कर देंगे, लोकसभा के लिए वोट कर देंगे, तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा एज पर लॉ कमीशन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो तो। ये सब फायदे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि नेशनल एंड स्टेट इशूज विल गेट मर्ज्ड। मतलब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देते हैं अपने स्टेट के कंडीशंस को ध्यान रखते हुए, और लोकसभा में वोट देते हैं पूरे देश के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। तो देश के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को चुन सकते हैं, स्टेट में हमारा कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई और लीडर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों इलेक्शन साथ में होंगे तो नेशनल जो मुद्दे हैं वो डोमिनेट करने लगेंगे, और लोग स्टेट में भी उन्हीं पार्टीज को वोट करेंगी जिसको वो नेशनल लेवल पर वोट कर रहे हैं, ऐसी एक टेंडेंसी हो सकती है। मतलब कि कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे जेडीयू बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार है, यानी कि वहाँ के लोग लोकल गवर्नेंस के लिए, अपने स्टेट गवर्नेंस के लिए टीएमसी या ममता बनर्जी को प्रेफर करते हैं, जबकि वहीं के लोगों ने नेशनल लेवल पे लोकसभा में ज़्यादातर वोट दिए हैं बीजेपी को। तो लेकिन अगर नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन साथ होने लगे तो स्टेट के अंदर भी हो सकता है कि लोग जो हैं वो बीजेपी को ज़्यादा वोट दें, क्योंकि नेशनल इशूज विल डोमिनेट द स्टेट इशूज एंड पीपल विल बी मोर गाइडेड बाई द नेशनल इशूज एंड दिस इज हाउ दे विल डिसरिगार्ड द लोकल इशूज। दैट इज वन फियर विथ साइमल्टेनियस इलेक्शन। सिंस इलेक्शंस विल बी हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स, इट विल रिड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अब एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 साल तक कोई चिंता नहीं, जो जीत गया सो भी जीत ही गया, जो हार गया सो हार गया, 5 साल तक कुछ नहीं कर सकता। अभी कैसा है कि हर 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल में कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में इलेक्शन आ जाता है, एंड दैट इज वाई द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज रिमेन विजिलेंट एंड अकाउंटेबल। और तीसरा प्रॉब्लम है कि इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू कीप द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन सिमिलर साइकिल फॉर ऑलवेज। जैसे स्टार्ट तो हुआ था एक ही साइकिल में 1952 में, फिर 57, 62, 67, लेकिन कभी ना कभी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली प्री मच्योर डिजॉल्व होगा, लोकसभा प्री मच्योर डिजॉल्व होगा, और फिर कैसा है, साइकिल टूट जाएगा। तो एक बार अगर जबरदस्ती साइकिल बना भी दी गई तो भी वो साइकिल फ्यूचर में दोबारा टूट सकता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू मेंटेन द साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन ऑलवेज। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं, दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटेशन में क्या है। आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होना चाहिए। आर्टिकल 172 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टर्म 5 साल का होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इट मस्ट इंजॉय द मेजॉरिटी, द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो फिर आपको रिजाइन करना होगा। मुद्दा ये है कि एक तरफ कहते हैं कि 5 साल का टर्म होना चाहिए, दूसरे तरफ कहते हैं कॉन्फिडेंस इंजॉय करना चाहिए, यानी कि जो मेजॉरिटी हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा वो सरकार के फेवर में होने चाहिए। अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया और वो पास हो गया, देन इन दैट केस द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। अगर कोई दूसरा पार्टी सरकार नहीं बना पाता है तो उस केस में पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर से इलेक्शन कराया जाता है। तो
ये दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ तो कहा गया है कि 5 साल का टाइम होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरा ये भी कहा गया है कि कलेक्टिव मेजोरिटी इंजॉय करना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर नहीं होता है उस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना है। अगर दूसरी पार्टी सरकार बना पाती है तो ठीक, अदरवाइज लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा शुड बी डिजॉल्व्ड एंड फ्रेश इलेक्शन शुड बी देयर। तो इसका मतलब है ये है कि साइकिल एक बार जबरदस्ती बना भी दोगे तो भी दोबारा साइकिल तो टूट ही सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सरकार गिर गई और दूसरा कोई सरकार नहीं बना पाया तो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा आउट ऑफ साइकिल और साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज प्रॉब्लम। तो टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन द अपोजिशन नीड्स टू प्रूव दैट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। ये एक इशू है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे देश में कैसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे कुछ कुछ चीजें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो कि देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। खाली ये लिखा गया है कि द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर शुड कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड दे शुड इंजॉय द मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द नो कॉन्फिडेंस मोशन टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। लेकिन आर्टिकल 75 के हिसाब से हमें ये लगता है कि हाँ, उनको मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस इंजॉय करना चाहिए। अभी हमारे देश में कैसा सिस्टम है कि मान लो कि ये सरकार के पक्ष हैं, सरकार के लोग हैं, विपक्ष को बस ये साबित कर देना है कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है और सरकार गिर जाएगी। विपक्ष को ये नहीं साबित करना है कि इनके पास मेजोरिटी है। दे जस्ट हैव टू प्रूव कि गवर्नमेंट डू नॉट हैव मेजोरिटी एंड गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन। उसके बाद अगर कोई नहीं साबित कर पाया कि मेजोरिटी है तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा और साइकिल ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज हाउ साइमल्टेनियस इलेक्शन डज नॉट अपीयर टू बी अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन इन लॉन्ग रन। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम संविधान को अपने अमेंड करें और नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्सेप्ट के जगह पर लेकर के आए द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन का सरल सा मतलब ये है कि ऑपोजिशन पार्टी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए तो उसमें पहले उसको ये प्रूव करना है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, साथ ही साथ उनको खुद के पास मेजॉरिटी है ये भी प्रूव करना होगा कि हम सरकार बना सकते हैं। तभी जाकर के सरकार रिजाइन करेगी और तभी जाकर के ऑपोजिशन पार्टी अपना सरकार बना लेगी। यानी कि किसी भी केस में लेजिस्लेटिव बॉडी को डिसॉल्व ना करना पड़े। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास तभी माना जाएगा जब सरकार मेजॉरिटी ना प्रूव कर पाए लेकिन अपोजिशन पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दे। दीज टू कंडीशन शुड हैपन साइमल्टेनियसली। अपोजिशन पार्टी शुड बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन ओनली देयर विल बी नो मिड टर्म इलेक्शन एंड देन ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन मे बी सस्टेंड, वन नेशन वन इलेक्शन मे बी सस्टेंड। जर्मनी में, स्पेन में, हंगरी में, इसराइल में कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज फॉलोड। मतलब अपोजिशन पार्टी को नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ साबित करना होता है, साथ ही साथ अपना मेजोरिटी प्रूफ करना होता है, तभी जाकर के सरकार को रिजाइन करना होता है। करंट न्यूज ये है कि लॉ कमीशन को सरकार ने कहा था कि आप स्टडी करें कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट टू हैव साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, और 21st लॉ कमीशन ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि देयर एग्जिस्ट ए वायबल इन्वायरमेंट नेसेसिटिंग द होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन संभव है और साइमल्टेनियस इलेक्शन को सपोर्ट करते हुए लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि इट इज द ओनली सॉल्यूशन और ओनली वे टू प्रिवेंट द कंट्री फ्रॉम बींग इन अ कॉन्स्टेंट इलेक्शन मोड। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी याद रखो, साउथ अफ्रीका और स्वीडन ऐसे देश हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, फॉलो करते हैं। इंडिया तीसरा ऐसा हो सकता है अगर वो कुछ इसको इंप्लीमेंट करे तो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमेंडमेंट इन फ्लैग कोड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए फ्लैग कोड से रिलेटेड 8 जुलाई को ही इसी महीने मैंने कुछ आइडियाज डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्लैग कोड को लेकर के कई सारे रिलैक्सेशन कर दिए गए हैं कि अब फ्लैग कोड हम अब फ्लैग को हम लोग पॉलिएस्टर से भी बना सकते हैं, कॉटन वूल या सिल्क से भी बना सकते हैं, हैंड स्पन हो सकता है, हैंड वूवन हो सकता है, मशीन मेड भी हो सकता है। ये सब फ्लैग कोड में अमेंडमेंट लाए गए थे लास्ट ईयर ही। ये सारे अमेंडमेंट्स इसलिए लाए जा रहे हैं फ्लैग कोड में,
अच्छा फ्लैग कोड क्या होता है ये भी आप आई होप जानते होंगे, 8 जुलाई को ही मैंने कराया है, आपको याद होगा। मतलब फ्लैग को लेकर के हमारे जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर तिरंगा, उसको लेकर के कौन कौन से बेसिक नियम आपको मानने हैं। तो पहले बहुत सारे नियम थे कि हैंड वूवन ही होना चाहिए, पॉलिएस्टर का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये सब कंडीशन हटा दिए गए हैं एज पर एन अमेंडमेंट इन द फ्लैग कोड ब्रॉट इन 2021। एक रिसेंट अमेंडमेंट लाया है भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को, यानी कि 2-3 दिनों पहले फ्लैग कोड में अमेंडमेंट लाया है। और फ्लैग कोड अमेंडमेंट के हिसाब से अब आप अपने झंडे को ओपन एरियाज में दिन या रात किसी भी वक्त फहरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नियम कैसा था कि ओपन एरिया में आप फ्लैग को बस दिन के वक्त ही फहरा सकते हैं, सनराइज टू सनसेट नॉट आफ्टर दैट, बट नाउ दैट कंडीशन हैज ऑल्सो बिन विथड्रॉन। ओपन एरिया में आप अपने झंडे को रात में भी फहरा सकते हैं, बशर्ते आपको जो बेसिक डेकोरम है फ्लैग को लेकर के उनको मानना होगा। मीन्स कीप दिस इन माइंड कि ट्राई कलर कैन बी डिस्प्लेड इन ओपन इन इंडिविजुअल हाउसेज और बिल्डिंग थ्रू आउट द डे एज वेल एज नाइट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 to 2025। देखो वल्चर्स की पॉपुलेशन लगातार कम हुई 1992 से लेकर के 2007 तक, मतलब 97% तक उनकी पॉपुलेशन कम हो गई इन 15 सालों में। 4 करोड़ से वल्चर्स की संख्या घट के हो गई 4 लाख हार्डली 10 से 15 सालों में। एंड वल्चर्स हैव रजिस्टर्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट, नॉट वन ऑफ द, इनफैक्ट द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन रजिस्टर्ड बाई एनी बर्ड स्पीसीज एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो इतना ज़्यादा फास्ट डिक्लाइन हुआ वल्चर्स के पॉपुलेशन का। अभी वल्चर्स के अंदर कई सारे स्पीसीज हैं, इतने सारे स्पीसीज का सबका तो नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ स्पीसीज उसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनका नाम आपको याद रखना। उसमें से भी 3 का नाम मेनली याद रखो, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, इसकी पॉपुलेशन तो 99.99% तक कम हो गई इन दिस पीरियड। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसकी पॉपुलेशन 97% कम हुई इस पीरियड में। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन भी 97% कम हुई इस पीरियड में। अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन गिरने के पीछे कारण क्या है? मेन कारण ये है कि उस टाइम में, ये जो पीरियड है 1992 से लेकर के 2007 तक का, उस टाइम में कैटल्स के लिए, जो मवेशी हैं काउ एंड ऑल, उनके लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक। तो डाइक्लोफेनेक नाम का एक प्लेन पेन किलर कैटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये कैटल्स के बॉडी में रहता था, ये पेन किलर आपने दे दिया तो उसके बॉडी में तो रहेगा ही। अभी इनमें से जो भी कैटल की मान लो डेथ हो गई, इसको नॉर्मली लोग करते क्या हैं गाँव के एरिया में, सेक्लूडेड प्लेस पर जाके छोड़ देते हैं। अभी सेक्लूडेड प्लेस पे जाके छोड़ देते हैं और वल्चर्स आकर के उनको धीरे धीरे खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अभी इसी कारण से ये डाइक्लोफेनेक इनके कैटल्स के थ्रू होते हुए वल्चर्स के अंदर पहुंच जाता है। ये जो डाइक्लोफेनेक है, इट लीड्स टू फेलियर ऑफ द किडनी ऑफ द वल्चर्स एंड दैट लीड टू डेथ ऑफ द वल्चर्स। तो दैट बिकॉज ऑफ द मैसिव यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक विच वॉज अ पेन किलर फॉर कैटल्स, वल्चर्स की मास डेथ होने लगी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 15 सालों में डाइक्लोफेनेक के कारण इतना सारा डेथ हुआ, मास वल्चर्स डेथ हुए, कि वल्चर्स की पॉपुलेशन 4 करोड़ से घट के 4 लाख पे आ गए। तब तक जब तक हमको रियलाइज हुआ तब तक बहुत सारा जनसंख्या घट चुका था। तो फिर डाइक्लोफेनेक को बैन किया गया। अभी वल्चर की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना क्यों जरूरी है ये समझिए। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है तो कम होने दो सर, क्या प्रॉब्लम है, मरने दो इनको। लेकिन ऐसा नहीं है, आसपास का कोई भी स्पेसीज अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती है तो इकोसिस्टम में वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा एंड दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ आल्सो। एग्जांपल के लिए देखिए, वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ डाइक्लोफेनेक। तो वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी तो हुआ क्या कि इस तरह के जो भी डेड एनिमल्स कारकासेस थे, जो हम लोग गांव के एरिया में गांव के बाहर जाकर के रखाते थे कि वल्चर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे, अब उसको वल्चर्स तो डिकम्पोज कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वल्चर्स की जनसंख्या ही कम हो गई, वल्चर्स हैं ही नहीं तो डिकम्पोज कौन करे। तो ये इस तरह के जो डेड एनिमल्स थे या कारकासेस थे या डेड बॉडीज थे एनिमल्स के, उनको इस तरह के डॉग्स खाने लगे, गाँव के एरिया के जो डॉग्स हैं वो खाने लगे। और डॉग्स इस तरह के मरे हुए जानवरों को, मरे हुए कैटल्स के बॉडीज को खा करके डॉग्स धीरे धीरे फेरल होने लगे, मतलब रैबीज से इन्फेक्टेड होने लगे। दूसरा प्रॉब्लम ये होने लगा कि ये जो कैटल्स हैं इनको तो अब नेचुरली डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए वल्चर्स थे नहीं, तो दे स्लोली स्टार्टेड टू गेट मिक्स्ड इनटू द लोकल वाटर बॉडीज, लीडिंग टू
पॉल्यूशन ऑफ द लोकल वाटर बॉडीज, तो दो प्रॉब्लम्स होने लगी, वाटर बॉडीज पॉल्यूट होने लगे और डॉग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होने लगे, जिसको हम लोग कभी कार कहते हैं ना पागल कुत्ते, फेरल डॉग्स, दे गॉट इन्फेक्टेड विथ रेबीज, और ये फिर फेरल डॉग लोगों को दौड़ा दौड़ा के काटने लगे, एंड दिस इज हाउ देर वॉज मैसिव राइज इन द रेबीज केसेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डॉग बाइटिंग. तो ये वक्त था जब वल्चर्स की डेथ हो रही थी, 1992 से लेकर 2007 तक वल्चर्स की पॉपुलेशन घट रही थी, डॉग्स फेरल ज़्यादा हो रहे थे, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, और डॉग्स फेरल होने के कारण हमारे अंदर ह्यूमंस को फेस करना पड़ रहा था डॉग बाइटिंग एंड रेबीज. ये सब चीज़ें बहुत लेट रियलाइज हुई कि हाउ इंपॉर्टेंट वल्चर्स आर फॉर आवर सर्वाइवल. वल्चर्स आर एफिशियंट स्कैवेंजर्स, एंड इफ वल्चर्स पॉपुलेशन इज नॉट देयर दैट विल हैव मेनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ इन वन वे और द अदर. तो सीधी सी बात है, कोई भी स्पेसीज हमारे आसपास में कुछ ना कुछ तो रोल हमारे लाइफ में वो प्ले करता ही है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, अगर उसकी पॉपुलेशन गिरेगी, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन पर निगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इकोलॉजी ecosystem is maintained on the basis of fine balance amongst the different species that is there in the ecosystem. तो इन सब चीज़ों को समझ के फिर भारत सरकार ने 2006 में एक वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया. इस वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम को 2020 तक चलाया गया था 14 साल के लिए, जिसका मेन गोल था कि वल्चर्स के पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए. चलो 4 करोड़ से घट के 4 लाख हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन 4 लाख तो बचा करके रखा जाए, दैट वॉज द गोल. और ये वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा और वल्चर्स के पॉपुलेशन स्टेबलाइज भी हो गए. तो 2020 में वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया 2025 तक. इसको कहा गया वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2.0 विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2020 to 2025. इसका मेन गोल होगा वल्चर्स के पॉपुलेशन को स्टेबलाइज तो कर चुके हैं, अब उसको धीरे धीरे बढ़ाना. तो फोकस इन वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2.0 वुड बी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर स्लोली. करेंट न्यूज ये है कि वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2.0 के अंतर्गत 5 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं. वो 5 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में. पांचों के पांचों याद मत करो, बट इतना याद रखो कि 5 वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में से जो 5 सेंटर्स खोले जा रहे हैं, उसमें से नॉर्थ ईस्ट में बस एक ही है और वो है त्रिपुरा में. इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC ने 2012 में एक सवाल पूछा था, ये वही सवाल है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गोरोखुटी प्रोजेक्ट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए गोरोखुटी एक जगह है इन डेरांग डिस्ट्रिक्ट अंडर सीपाझार तहसील. पिछले साल की बात है, लगभग सितंबर अक्टूबर की, गोरोखुटी एरिया में कई सारे जो लोगों ने इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीनों को ऑक्यूपाई करके रखा था, उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया गया, खाली कराया गया. थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट भी हुए थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, थोड़ी फायरिंग भी हुई थी, आई होप आपको याद होगा. तो गोरोखुटी वाले एरिया को खाली करा करके फ्रॉम इलीगल एक्विजिशन वहाँ पर सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू कराया जिसका नाम है गोरोखुटी प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में टोटल 9.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट. एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट मतलब इस एरिया को, गोरोखुटी एरिया को एग्रीकल्चरल मॉडल बनाया जाएगा फॉर इंटायर स्टेट ऑफ आसाम. वहाँ पे फॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रमोट की जाएंगी वहाँ, और उसकी मदद से लोकल यूथ्स को नौकरियों की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी. इसके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक काम किए गए. 134 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाया है सरकार ने, तीन चार लोगों की. 2000 गिर काउज हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू गोरोखुटी रीजन टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन दिस रीजन. ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि गोरोखुटी प्रोजेक्ट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इस रीजन में. गोरोखुटी रीजन में जो कि लोकल यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है, ओवरऑल इस एरिया का इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ है, एंड दिस इज़ हाउ गोरोखुटी प्रोजेक्ट कुड बिकम अ मॉडल प्रोजेक्ट फॉर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंटायर असम. और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स बाकी जगहों पर भी हमें लाना चाहिए. इलीगल एक्विजिशन किए हुए लैंड्स को हमें इवैक्यूएट करा करके वहाँ पे लोकल यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू अफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज एज पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. और EWS वॉज ब्रॉट अंडर 103rd अमेंडमेंट एक्ट, GST 101st Amendment Act and NCBC 102nd. So the correct answer will be option C again. That's all from our side for today. Thanks for watching.